नमस्कार, असंत ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज 1 मई है और आज की मुख्य हेडलाइन इस प्रकार से है। बीड़न बड़वाला गांव में किसान के खेत में लगे 16 किलोवाट के ट्रांसफार्म से तार, तांबा व अन्य सामान चोरी हो गए हैं, जिसको लेकर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। असंत के गांव शेखपुरा के खेतों में आग लगने से 12 मवेशियों की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक है। आग इतनी तेज थी कि मवेशियों की चमड़ी भी जल गई। उपलाना में बायोफाल्क विधि से मछली पालन में कम जगह व कम पानी से हो रहा है ज्यादा उत्पादन, सरपंच प्रतिनिधि ने दी जानकारी। बला में किसानों का फिर धरना, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जताया जा रहा है रोष। कोरोना महामारी को कंट्रोल करने के लिए निशंक पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। आज निशंक के गोंदर और डांचर मार्ग पर पुलिस ने बिना हेलमेट व यातायात नियम तोड़ने वालों के चालान काटे। निगदू के गांव मंजूरा में इनेलो कार्यकर्ताओं ने बैठक ली, जिसमें इनेलो के किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष फूल सिंह मंजूरा ने इसकी शिरकत की। असंध में पुलिस ने रात को शहर में निकाला फ्लैग मार्च, सड़कों पर बेवजह घूमने वालों के काटे चालान। असंध के वार्ड नंबर 4 में नगर पालिका कर्मचारियों ने शहरवासियों को बताए जैविक खाद के फायदे।